बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां धनतेरस दीपावली को लेकर कृष्णानगर थाना परिसर में हुई पीस कमेटी की बैठक। आपको बता दें कि धनतेरस दीपावली में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कृष्णानगर कोतवाली परिसर में आज पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्षेत्र के व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य लोगों ने लिया भाग। बताते चले कि बैठक में व्यापारी नेता मनीष अरोड़ा, मोहित संजय सिंह, दीपक विश्वकर्मा सहित उपस्थित व्यापारियों ने आलमबाग चौराहे से लेकर नहरिया चौराहे तक रोड जाम की समस्या को उठाते हुए कहा कि त्योहार के दौरान 3 दिनों तक रोडवेज की बसों एवं हैवी वाहनों का डायवर्जन अवैध नहरिया चौराहे से पुरानी जेल रोड की तरफ से किया जाएगा। मौके पर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने सभी लोगों से कहा कि त्योहार में रोड जाम की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। उन्होंने व्यापारियों के सुझाव को भी सुना और उस पर अमल किए जाने का आश्वासन दिया। बैठक में एसएसआई सुरेंद्र सिंह, एसआई अर्जुन राजपूत सहित सभी पुलिस चौकी के प्रभारी एवं मीट प्रभारी उपस्थित रहे।